सुप्रभात बच्चों, आज हम एक कहानी की रचना करेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 43 यानी 43 में कुछ चित्र दिए गए हैं। तो उन चित्रों के माध्यम से एक कहानी की रचना करनी है और उस कहानी का संदेश को समझना है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में 8 चित्र दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको चित्र में, पहले चित्र में कुछ चिड़िया आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही है और दूसरे चित्र में एक पेड़ और पेड़ के नीचे कुछ अन्न के दाने और एक जाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि सब चिड़िया नीचे उतरकर दाना चुग रही है। और यहाँ पर चौथे चित्र में देख सकते हैं कि चिड़िया क्या कर रही है, ची ची चिल्ला रही है। और यहाँ पर पांचवें चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से चिड़िया जाल को लेकर उड़ रही है। और यहाँ पर देखिए आपको छठे चित्र में दिख रहा है कि एक बहेलिया हाथ मलते हुए खड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो सातवां चित्र है वहाँ पर जाल, चिड़िया और कुछ चूहे भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। और आठवें चित्र में भी यहाँ पर कुछ चूहे जाल को काटने के चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम इस चित्रों के माध्यम से एक कहानी की रचना करते हैं। तो एक जंगल था और उस जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ पर कुछ चिड़ियाँ रहती थी। वह चिड़ियाँ दिन भर भोजन खोजने घूमते रहते थे। तो एक दिन सब चिड़ियाँ दाने की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। तो थोड़ी दूर उड़ने पर उन्हें एक पेड़ के नीचे कुछ दाने दिखाई दिए। फिर सब चिड़ियाँ एक एक करके धीरे धीरे नीचे उतरने लगे और सब दाना चुगने लगी। पर वहाँ बहेलिया ने क्या किया था, जाल बिछाया हुआ था। तो चिड़ियों को यह पता नहीं था। फिर चिड़ियाँ क्या करते हैं, पेट भरकर दाने खाते हैं और वह उड़ने की कोशिश करते हैं पर उड़ नहीं पाते क्योंकि वे सब उस बहेलिए की जाल में क्या हो गए थे, फंस गए थे। यहाँ पर बहेलिया मीन्स जो पक्षियों को पकड़ने वाले रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहेलिया कहते हैं। तो जाल में फंस गए थे और सब लाचार होकर, उड़ने के लिए नहीं आ रहा था तो चीं चीं करके जोर जोर से आवाज़ कर रहे थे। तो उनमें से एक चिड़िया कहती है कि जब तक बहेलिया आता है तब तक हम सब मिलकर जोर लगाकर एक साथ इस जाल को लेकर उड़ेंगे। फिर उसी तरह से सब चिड़ियों ने चोंच से जाल को पकड़ लिया और सब जोर लगाकर जाल को लेकर उड़ गई। तो यहाँ पर देखिए जाल को लेकर उड़ रही है। तो बेचारा बहेलिया हाथ मलते रह गया,
हाथ मलना यानी पछताना, क्योंकि उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। फिर चिड़िया एक साथ जाल को लेकर अपने मित्र चूहों के पास चली जाती है। फिर चूहा क्या करता है, अपने बाकी के मित्रों को भी बुलाता है और सब चूहे मिलकर अपने दांतों से जाल को काट देते हैं। फिर सारी चिड़िया आज़ाद हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मिलजुल कर, एकजुट होकर रहने से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, यानी एकता में बल होता है। तो बच्चों, इस तरह से आपको भी एक छोटी सी कहानी आपको बनाना है, और मैं कुछ इस कहानी के माध्यम से, मतलब कहानी में से कुछ प्रश्न पूछूंगी, तो उन प्रश्नों को आपको लिखकर भेजना है। तो पहला प्रश्न है, चिड़िया दिन भर क्यों घूमते रहते थे? और दूसरा प्रश्न है, उन्हें पेड़ के नीचे क्या दिखाई दिए? तीसरा प्रश्न है, चिड़िया कहाँ फंस गए? तो चौथा प्रश्न है, चिड़िया जाल को लेकर किसके पास चले गए? और पांचवा प्रश्न है, चूहों ने चिड़ियों की मदद किस तरह से की? और अंत में छठा प्रश्न है, इस कहानी का संदेश क्या है? तो बच्चों, आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे भेजने हैं, और आपको भी ऐसी एक कहानी की रचना करनी है। धन्यवाद।